दुनिया भर से लोग जाहिर है किसी न किसी तरह आप लोग तो मैं कहता हूँ कमाल है कि आप पहुंचे वहां इस तरह मदद की, लेकिन लोग अपनी कैपेसिटी में क्या कर सकते हैं? कुछ गाइड करेंगी आप जो लोग माली मदद करना चाहते हैं, किसी और तरीके से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, हु आर नॉट डॉक्टर्स, व्हाट कैन दे डू? ये जब से रफा क्रॉसिंग उन्होंने बंद किया और रफा का एक्शन शुरू किया, इन्होंने और भी ज्यादा मुश्किल कर दिया है। दवाइयों का अंदर जाना, अंदर जो पैसे लोग लिक्विडिटी वो नहीं है, लोगों के पास जरिया नहीं है कि वो पैसे कहाँ से ले। बहुत यानी मुश्किल से मिलते हैं, मिल जाते हैं, लेकिन हर बंदे को नहीं मिल पाते और हर रोज अवेलेबिलिटी नहीं होती। तो आप डोनेट करें उन ऑर्गेनाइजेशंस को जिनका आपको पता है कि वो गजा के अंदर काम कर रहे हैं, जिनके कनेक्शंस हैं, इसलिए क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का कनेक्शन बहुत ज़रूरी है यूएन डब्ल्यूएचओ और के साथ, ताकि वो इसराइल से इजाज़त लें। सो चंद और पाकिस्तान में अगर लोग डोनेट करना चाहते हैं तो अलखिदमत बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है और इन्होंने इनका खासा काम मैंने खुद ऑन द ग्राउंड देखा, और वो ये था कि मैटरनिटी हॉस्पिटल में वो खासे बैग्स जो थे डायपर्स और जो न्यू बॉर्न बेबी की और मदर की जो चीजें होती है वो सब अवेलेबल थी उनको पैकेज में। सो खिदमत को कर सकते हैं, हम दुआ कर सकते हैं और होप नहीं लूज करनी चाहिए, बिकॉज हर रोज जब हम लोगों को मरते देखते हैं और इतनी बुरी तरीके से उनके साथ इतनी ट्रॉमेटाइजिंग चीजें होते देखते हैं, और अब इट इज नेचुरल कि हम महसूस करें कि होप लगता है।